बंगाल में जो इश्यूज चल रहा है एक के बाद एक, हम लोग आप लोग भी देखे हैं, पूरा देश का जनता देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री और केंद्रीय सरकार ने जो बंगाल के लिए, जो पूरा देश के लिए, जो ये 22-23 में जो बजट बंगाल के लिए भेजे हैं, और जो योजना केंद्रीय सरकार ने पूरा देश के लिए भेजे है, वो बंगाल में भी शामिल है सबके लिए। इसमें कोई जात पात का राजनीति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के लिए सब लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, सब के लिए प्रधानमंत्री ने केंद्रीय योजना भेजे हैं। लेकिन बहुत सारा योजना ऐसा है कि हम लोग देखते हैं कि उसका नाम चेंज हो जाते हैं, जैसे शुभेंदु दा ने बोला है, जैसा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सबके लिए फ्री राशन। आप लोग देख रहे हैं कि कोविड के बाद से, कोविड का जो परिस्थिति हुआ था उस टाइम से अभी तक सबके लिए फ्री राशन मिल रहा है। लेकिन अब बंगाल में जाएंगे तो आप देखेंगे इसका नाम बंगाल में जाते जाते चेंज हो जाता है कि खाद्य साथी बोल के। इसमें एक भी पैसा राज्य सरकार ने नहीं देते हैं, फिर भी ये लोग बोलते हैं कि खाद्य साथी प्रकल्प टीएमसी सरकार का है, ममता बनर्जी का। उसके बाद भी बोलते हैं कि बंगाल में केंद्रीय सरकार ने कुछ नहीं भेजते हैं, पैसा काट लेते, इसलिए धरना प्रदर्शन भी उनका है। जो केंद्रीय सरकार सरकारी कर्मचारी के लिए 8% डीए देते हैं, और राज्य सरकार, अभी डीए के बाद अगर राज्य सरकारी कर्मचारी लोग बोलते हैं तो उसमें वो बंगाली में बोलते हैं कि कुकुरेर मतो घेव घेव कोरोना, माने जो लोग उसको वोट देके थर्ड टाइम के लिए मुख्यमंत्री बनाया उसको क्या समझते हैं, कुत्ता, इतना असम्मान करते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते हैं। और उसके बाद भी ये लोग बोलते हैं कि केंद्रीय सरकार बंगाल को इग्नोर करते हैं। आज ये लोग धरना में बैठेंगे, बोलते हैं अगर एक के बाद एक अगर बंगाल का इतना ज़्यादा इश्यूज है तो बंगाल की जनता को तो काम छोड़ के 365 डेज ही धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। अभी हम लोग देखा डेमोक्रेसी के लिए सांसद चत्तर में कल टीएमसी लोग धरना में बैठेंगे। डेमोक्रेसी का बात पश्चिम बंगाल कर रहे हैं, जो डीए विरोध में, डीए प्रदर्शन के लिए जो विरोध में, जो अवस्थान विक्षोभ में जो शिक्षक, जो टीचर शामिल हुआ था, उसको शोकॉज नोटिस देते हैं, उसको बोलते हैं क्यों तुमने वहाँ पे शामिल हुआ। एक साइड में उसको डीए नहीं बनाएंगे और दूसरा साइड में उसको शोकॉज नोटिस देते हैं, तो बंगाल का जनता, बंगाल का सरकारी कर्मचारी कहाँ पे जाएंगे।